हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस वन मैथ्स सीक्वेंसी सीरीज का लेक्चर नंबर 2। बेटा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करवाया था और मैंने बताया था बेसिकली सीक्वेंसी सीरीज का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला हमने किया है, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, nth टर्म की वैल्यू क्या आती है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन होता है टर्म नंबर, आपको जो भी टर्म निकालनी है, पांचवी आठवीं, आप वो भरो, वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, लो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो आज क्वेश्चंस को कंटिन्यू करता हूं आगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए क्या कह रहा है। If m times mth term of an AP is equal to n times nth term of AP, okay? Find m plus nth term of AP. Sir, AP तो दी नहीं, कहाँ AP? मतलब कोई sequence दी नहीं, बस कहता है AP है। तो मैंने बताया था अगर AP ना दी हो तो let कर लीजिए A B। मान लीजिए ये AP है, तो क्या कह रहा है वो, m टाइम्स mth टर्म ऑफ ap इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म की वैल्यू, ये गिवन है। चलो चलाते हैं इसको आगे। mth टर्म ऑब्वियसली ये होगी, mth टर्म की वैल्यू ये होगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ऐसे इधर। चलो सही है, यहां पहुंच गए। क्वेश्चन में उसने जो दिया हमने लिख दिया जी, ओके। ये नोट करने की जरूरत नहीं थी, हमने लास्ट क्लास में किया था, रिव्यू करवाया था बस ये को। चलो आगे चलते हैं, मजा करते हैं इसके साथ। सर एम ए, ओके, ये एम को भी अंदर ले आओ, यहां एम स्क्वायर माइनस एम D, यस सर, यहां भी एन ए, एन को यहां अंदर ले जाओ, एन स्क्वायर माइनस एन डी, यस सर, ये चीज आ गई, आराम से समझ आ रहा है। सब कुछ एक साइड ले आओ, ये सब कुछ एक साइड, एम ए माइनस एन ए इकट्ठे हो जाएंगे ना, ए वाले एम ए माइनस एन ए और ये वाला दिस और ये माइनस में। चलो बहुत ही कॉमन सेंस, जो उसने दिया m टाइम्स mth टर्म की वैल्यू, पहले ap नहीं दी तो लेट कर लिया, m टाइम्स mth टर्म की वैल्यू इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म की वैल्यू, इक्वेट। यहां पहुंच गया सर, मजा आएगा देखना। यहां से ए कॉमन, बाकी क्या बचा, एम माइनस है। बेटा जो गिवन है मैं उसे देख रहा हूं, इजी बना रहा हूं, फिर देखेंगे निकालना क्या है। अच्छा ए कॉमन एम माइनस है, यहां बेटा डी कॉमन, डी कॉमन दिस, हाँ जी डी तो कॉमन हो गया, दिस माइनस, बेटा माइनस वो करेगा ना साइन चेंज, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, समझते हो? आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लियो, चाहे डी कॉमन, दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, फिर उस ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन आएगा, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं, ये माइनस, ओके, डी कॉमन दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट, कोई बात नहीं, एक स्टेप से ही ये लो, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, बहुत आराम से समझ आ रहा है। यहां देखिए ये क्लब हो रहे हैं, एम माइनस एन प्लस डी, हाँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बाकी इन दोनों में से माइनस वन कॉमन, माइनस वन कॉमन, तो एम माइनस एम, यस दिस इज इक्वल टू जीरो। उसने यार एक चीज बताई, ओके हम अंदर ले गए नॉर्मल एक तरफ ले गए, ए वाले इकट्ठे कर लिए, डी वाले इकट्ठे कर लिए, दिमाग तो लगा ही नहीं रहे, कैलकुलेशन बेसिक बेसिक लिख रहे हैं बस, यहां पहुंच गए, क्या आया ये टेंथ क्लास में भी किया होता है मेरा ख्याल है, किया हुआ है ठीक है, नहीं किया हुआ कोई चक्कर ही नहीं यार, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, टेंथ में एपी करी हो ना करी हो एक बराबर कर दूंगा, हर एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो, ओके रिवाइज हो जाएगा और क्या, बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है प्लस वन में भी इसलिए कराया जा रहा है, ये ठीक है। ये देखो एम माइनस एन, एम माइनस एन कॉमन, बी ठीक है, एम माइनस एन कॉमन आउट, ये बचा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सर एम माइनस एन सारे में से बाहर आ गया और क्या बचा, ए प्लस एम माइनस एन बाहर आ गया, ए प्लस डी साथ में ये लॉज, सर ये नीचे चला गया, ओके ये नीचे चला गया, मेरे पास सिर्फ ये बचा ए प्लस ये चीज एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अरे यही तो निकालना था, फाइंड एम प्लस एनथ टर्म, बेटा ये क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं आठवीं टर्म निकाल लो तो आप आठ करोगे, यहां ए प्लस आठ माइनस वन, यस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, हमें निकालनी है एम प्लस एनथ, तो ए प्लस दिस माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, आंसर आ गया जीरो, मैं यहां लिख देता हूं, इसका मीनिंग था ए प्लस एन जो हमें निकालनी है, हमें ये निकालनी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ये वाली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मुझे ये निकालनी है, यही तो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है सर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मिनट में बार दोबारा रिपीट करता हूं बेसिक सी बात, m टाइम्स mth टर्म n टाइम्स nth टर्म, mth टर्म की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू, m को अंदर अंदर एक तरफ a वाले इकट्ठे d वाले इकट्ठे, a कॉमन d कॉमन, फैक्टर बन गए m माइनस n कॉमन आउट और नीचे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड, हाँ ये नई बात आ गई, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमें, ये वाला कहता फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड, स्टार्टिंग से 12th नहीं एंड से 12th टर्म निकाल लो, कुछ भी नहीं, इस सीक्वेंस को बेटा आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, सिंपल इस सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, बस हो गया। सीक्वेंस कौन सी है देखो, ये दो ऐड हो रहा है, तीन प्लस दो पांच, दो सात, दो नौ, दो ग्यारह, दो ऐड हो रहा है, अगर रिवर्स करोगे तो दो सब्ट्रैक्ट होगा, चल रिवर्स लिखते हैं, 201
रिवर्स दो घटाते जाओ ना, 199, 197 दो घटाते जा रहे, हाँ 9753 आ जाएगा। यस सर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, लिख दिया। अब कुछ नहीं, सिंपल 12th टर्म निकाल लो बेटा, यहां से 12th निकालनी है, लिखी ऐसे दिया। अब नॉर्मल 12th टर्म निकाल लो, गेट टी 12, सिंपल अपने आप ही रिवर्स वाली आ जाएगी। अच्छा ये एपी है सर, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 नहीं -2, फर्स्ट टर्म कितनी है 201, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे 2 नहीं बोलना, कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सो इट इज ऑब्वियसली -2। और आपको 12th टर्म निकालनी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको निकालना है टर्म नंबर 12। टर्म्स तो बहुत सारी है, टर्म्स बहुत सारी हैं, मुझे ऐसे 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 12th नंबर पर क्या लिखा हो वो निकालना है, टर्म नंबर 12 की वैल्यू निकालनी है। ये ख्याल रखना भाई, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है। हो गया, ए 201, 11, बी कितना है -2, ये -22 हो गया सर, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। टू डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। बेटा टू डिजिट नंबर देखिए 10 से शुरू होते हैं, 9 तक सिंगल डिजिट है, 10 से शुरू होते हैं एंड 99 तक जाते हैं, ठीक है। इसमें से 7 से डिविजिबल क्या 10 है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14, यस 14 है। 14 के बाद कौन सा, 15, 16 नहीं यार, 21, 28, 35 सबको पता है ना, 7 से डिविजिबल वाले ये नंबर्स हैं। लास्ट से 99, ओए 99 तो टू डिजिट नंबर है, क्या 7 से डिविजिबल है, 7 1 7 2 9 4 28, अरे 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, 98 रखो, 98 ये आपने कॉपी में साइड पे लिखना होगा थोड़ा सा। टू डिजिट नंबर 10 से शुरू हुए 99 तक जाते हैं, उसमें से 7 से डिविजिबल 98 तक, 99 में एक रिमाइंडर है, एक रिमेनिंग है, उसे हटवा दिया, 98 कर दिया, 14 × 7 = 98, यस। हमें क्या निकालना है, कहता ये कितने हैं, हाउ मैनी आर देयर, ये कितने हैं सर, लास्ट वाले का एन निकाल दो बस, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, अगर ये 25वीं हुई तो टोटल भी कितनी है 25। लास्ट वाली का टर्म नंबर ही टोटल टर्म्स बन जाएगा। सर ये 25वीं टर्म है पर ये तो लास्ट टर्म है, यानी टर्म्स कितनी होंगी 25, ऐसे बस इसका एन निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। अच्छा इसकी वैल्यू पता है, सो एपी तो है ना सर, 7 7 का फर्क है, 7
सेवन 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 बढ़ रहे हैं, सो एपी है। अच्छा, nth टर्म की वैल्यू तो ये होती है, वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म की, वैल्यू कितनी है 98, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 14, डिफरेंस कितना है बेटा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेगा 21 माइनस 14 7, यस ये टर्म नंबर आ गया 98 वैल्यू वाला टर्म का नंबर, वही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, कॉमन सेंस। कितना है ये, माइनस कर दो 4 4 एंड 8 84, 7 को नीचे ले आना, ये आ गया 1 2, सर 13 आ गया जी, यस ये 13th टर्म है, हम ऐसे लिखते जा रहे हैं तो ये 13th टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, सिंपल। मैंने तो टर्म नंबर निकाला था पर वो लास्ट टर्म का निकाला था, तो उतनी ही टर्म्स है ना, दिस इज 13th टर्म मींस टर्म्स ही 13 है, वहां खत्म हो जाती है। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो रोककर नोट करो। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी बेसिक। द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कहता है कि एपी है, मैं कहा बता तो दे यार, कहता मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही लेट कर लेंगे एडी, अगर एपी नहीं दी हुई तो लेट कर लो एडी, कर लिया। क्या दिया है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म की वैल्यू इज 3 times फर्स्ट टर्म, ओके फर्स्ट टर्म, और क्या दिया है सेवंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बढ़ गई, ज्यादा है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म बाय 1, समझ गए, उसने जो लैंग्वेज बोली हमने छाप दी। फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 times है फर्स्ट टर्म की वैल्यू से, और सेवंथ टर्म ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म से एक्सीड कर गई है बाय 1, ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म से भी एक ज्यादा है, ओके सर हो गया। ये देखिए फोर्थ टर्म क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यस फोर्थ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 3 times फर्स्ट टर्म, बेटा फर्स्ट टर्म तो ये होती है, शुरुआत ही यार ए से की थी, ए ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म इज ए, अच्छा सेवंथ टर्म सही है, ओहो डी आएगा सर, सेवंथ टर्म की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 times थर्ड टर्म की वैल्यू, बेटा थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म की वैल्यू यस प्लस 1, 2 times थर्ड टर्म की वैल्यू बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 1, ओके हो गया। हमें ए और डी निकालना है, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है क्वेश्चन में, ये गिवन था, ये बन गया, अब इसको इजी करता हूं, ए प्लस 3d 3a और ये a प्लस 6d, यस
और इधर ये 2d आ गया ना, 2d तो 2a और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2a 4d प्लस ये आ गया। बेटा ad निकालना है, ad निकालना है, हो जाएगा आराम से। यहां से क्या आ गया, ये लो यहां से क्या आ गया 3d, a इधर आ जाएगा, 3d is equal to 2a, ये आ गया सर। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू या d की वैल्यू जैसे मर्जी सोच लो, a की वैल्यू आ गई d की फॉर्म में, इट इज लाइक x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। मुझे तो 10th क्लास याद आ रही है, xy में रिलेशन, xy में रिलेशन निकाल लो, एक में से x y की फॉर्म में निकाल लो और यहां फिल कर दो, यहां लिख रहा हूं, इसे थोड़ा सुंदर बनाओ। 2a में से a गया, a आ गया, ये 4d उधर 2d बना देगा, 6d माइनस 4d ठीक है 2d, और ये a प्लस 1, सर यहां फिल करना है बेसिकली। हाँ जी क्या आया, a इज 3d by 2, यस सर, 2 से मल्टीप्लाई सारे को, 4d 3d एंड 2, सर d आ गया 2, d को भरोगे a आ जाएगा 3। अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, आगे ये समझ आ गया ना, आगे दो इक्वेशन दो वेरिएबल ad निकालना, यहां से x निकाला इन टर्म्स ऑफ y और यहां भर दिया, वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा ये क्वेश्चन है बहुत आसान, इन एन एपी कहता फोर्थ टर्म की रेशियो, ए फोर का मतलब फोर्थ टर्म, टी फोर भी लिख देते हैं, ए फोर भी लिख सकते हैं, तो फोर्थ टर्म और सेवंथ टर्म की रेशियो दी हुई है 2:3, कहता सिक्स और एट्थ टर्म की रेशियो निकाल लो, बहुत आसान है। अरे पर यार एपी तो बता देता, बताया ही नहीं। लेट एडी नहीं बताया ना, सही एडी हो गया। फोर्थ टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेवंथ टर्म ए प्लस 10, ये दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लगा दिया। थोड़ा सॉल्व कर लो, a प्लस 3d 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इधर ले आओ, 3 2, चलो बढ़िया हो गया, थोड़ा और करते हैं, जितना सिंपल होता है बना लो, 3a 9d 2a 12d, चलो ये इधर ले आओ, 2a इधर, 3a माइनस 2a a आ जाएगा, 12d माइनस 9d 3d आ जाएगा, चलो काम आएगा जी, एक रिलेशन आ गया, बहुत आसान है ठीक है। निकालना क्या है, रेशियो ऑफ सिक्स एंड एट टर्म, सर सिक्स टर्म क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एट्थ टर्म क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस सर ये आ गया, हो गया a प्लस 5d a प्लस 7d, a है अपना 3d, अरे भर लिया ना इसमें, जो गिवन है उसको यूज करो, कर लिया 8d बाई 10d आ गया, d कट गया 4/5 इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ टी nth करवाया है, nth टर्म की वैल्यू ये होती है,
ये करवाया था टॉपिक, हो चुका वो। अब अगला टॉपिक सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब अगर आपको कहा हो कि तीन नंबर एपी में है ओके, और उसके बारे में कुछ कुछ दे रखा होगा, उनका सम ये है, उनकी प्रोडक्ट ये है, कुछ नॉलेज दे रखी होगी उसके बारे में, तो वो तीन नंबर क्या लेट करने हैं। एक बच्चा बोलता सर थ्री नंबर आ रही एपी, सर मैं लेट करूंगा ये तीन नंबर एपी में। सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री नंबर आ रही एपी, यस ट्रू, दीज थ्री आर इन एपी, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। अगर कभी कहा जाए फोर नंबर आर इन एपी, तो ये ले लो चार नंबर, सही है, नो इश्यूज। बट बेटे जनरली क्या होता है, हमें इनका सम दिया हुआ होता है, थ्री नंबर आर इन एपी, उनका सम ये है, एक डाटा ये है, बाकी कुछ कुछ दे रखा होगा उनके स्केयर्स का सम या उनकी प्रोडक्ट या कुछ और करते हूं, क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो बेटे इसमें सम वगैरह में फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएंगे बट लिटिल कैलकुलेशन ज्यादा आएगी। तो इसलिए बुक्स वालों ने पहले एक प्लान कर रखा है कि अगर तीन नंबर एपी में कंसीडर करने हो तो ये करो। देखो ये भी तो एपी है, इसमें डी जोड़ा ये आ गया, प्लस डी करोगे ये आ जाएगा, इसमें प्लस डी करोगे ये आ जाएगा, सही है यार। ऑब्वियसली दीज आर थ्री नंबर्स इन एपी, सर यही क्यों, ये क्यों नहीं, फायदा देखो, अगर हम इनको ऐड करेंगे मान लो 50 दे रखा है, ऐड करेंगे सर डी घट जाएगा, एक वेरिएबल घट जाएगा तेरा, ए की वैल्यू आ गई, फिर ए की वैल्यू नेक्स्ट में भरेंगे आंसर आ जाएगा, भाई इतना सही फायदा है। ऐसे ही चार नंबर्स एपी में लेने हो तो ये लेते हैं, इसमें टू डी का गैप है, देखो ए माइनस थ्री डी, ओके ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, फिर उधर ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, यस ओके। दिमाग में रखिए थ्री नंबर्स इन एपी, तो कंसीडर दिस, फोर नंबर्स इन एपी कंसीडर दिस, बिकॉज एडिशन करने पर, इनके एडिशन करने पर डी गेट रिमूव्ड, बस इतना सा ही फायदा है, सम करने पर डी खत्म हो रहा है, इनका सम करो तो भी, इनका सम कर लो माइनस डी प्लस डी खत्म, ये भी खत्म, वेरिएबल घट गया, थोड़ा फायदा हो गया और कुछ नहीं। थ्री नंबर्स इन एपी कंसीडर करने हो ये करने हैं, फोर नंबर इन एपी कंसीडर करने हो ये करने हैं, ये भी कर सकते थे, इशू नहीं है, थोड़ा सा वेरिएबल नहीं रिमूव होगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। चलो प्रैक्टिस करते, वीडियो रोककर ये नोट करना है, ये नहीं करना, ओके नोट कीजिए, क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर। हां जी बेटा, लाइक ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइव नंबर्स। तो तीन नंबर एपी में है, मैं अभी बात करके आता हूं, तीन नंबर एपी में हो तो वो वाले लेट करो, यहां लिख देते हैं ए माइनस डी ए ए प्लस डी, और अगर चार नंबर करने हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, ये टॉपिक चल रहा है और आप खुद समझदार हो, ये देखो सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है सर, थ्री नंबर्स इन एपी। हाँ मैंने आपको सारा लॉजिक बताया है, लिखवाया था, एडिशन करने पर डी गेट रिमूव्ड, फायदा होता है, लो देखते हैं, लेट दीज थ्री, थ्री नंबर्स आर इन एपी, मान लो ये तीन है ए माइनस डी ए ए प्लस डी,
बस फिर हो गया इनका सम। इनका सम माइनस थ्री है और इनकी प्रोडक्ट 8 है। लो जी हो गया यार, क्या बचा इसमें? 3 नंबर जेपी में लेट करने हो वो करो, सम में फायदा हो जाता है। ये देखो उनका सम इतना है, डी कट गया सर। सो ये क्या आ गया, ए ए ए का 3 है बेटे। इसका मेरा मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से लिखा जा रहा है फिर। तो सर 3a माइनस 3 तो a कितना आ गया माइनस 1, फायदा हो गया। और इसको करो ये a a माइनस d a प्लस d प्रोडक्ट कर लो, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, मानते हो a माइनस b एंड a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया। ओके a को कर लो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, लो जी यहां से भी आ जाएगा, कितना आ गया बेटा इस माइनस को उधर ले जा, ये माइनस इधर माइनस 8 बना देगा। ओके नीचे या ऊपर तो फर्क नहीं ना होता, माइनस 8 माइनस 1 का स्क्वायर बेटे 1, ये आ गया सर। तो डी स्क्वायर कितना आ गया बेटे माइनस डी स्क्वायर का प्लस डी स्क्वायर, ये 8 सर, डी स्क्वायर 9 आ गया, यानी डी 3 आ गया या माइनस 3 आ गया, हो गया डी के 2 आंसर आ गए, डी स्क्वायर 9 डी प्लस माइनस 3, ए का एक ही आंसर आया है। तो क्लब करके मुझे ए डी थोड़ी निकालना है, मुझे नंबर्स निकालने हैं, ये वाले प्रॉपर नंबर्स। क्या करूं, एक बार ए को रखो आप माइनस 1 और डी को 3 रख लो, इससे आएंगे नंबर्स। और एक बार ए को माइनस 1 डी को माइनस 3, ए तो विकसी है, ए का तो सिंगल आंसर आया है, डी के डबल आए हैं, या तो 3 या तो माइनस 3। इस सेट से एक बार आएंगे नंबर्स, एक बार उससे आएंगे नंबर्स, लेट्स डू इट। सर ए माइनस डी, ये लो ए माइनस डी, उसके बाद ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी ए ए प्लस डी, क्या आया माइनस 4 माइनस 1 एंड 2। सेम यहां ए माइनस डी, ध्यान से घूरते रहना ए, यार एडी आ चुके हैं, नंबर्स निकालने हैं, ये रहे नंबर, इनमें एडी फिल करो, ए माइनस बी एंड ए एंड ए प्लस बी, जो आएगा देखी जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 आ गया, ये माइनस 1 है, ये माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 4। So, 3 नंबर्स कौन से आए, या तो ये या तो ये, अरे बात तो एक ही है, माइनस 4 माइनस 1 2 या 2 माइनस 1 माइनस 4, दोनों ठीक है जी, एक ही बात है, ये आंसर आ गया। दीज आर 3 नंबर्स, वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, शो दैट दीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस। अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ ऐसी, कहता है इसकी जो साइड्स है, ये साइड ये साइड ये साइड, जो भी 3 साइड्स, दे आर इन एपी, इनकी लेंथ है जो वो एपी में है। ओके 3 नंबर्स इन एपी, सर वो लेट कर लो a माइनस डी a एंड a प्लस डी, ये मैंने लेट कर लिया।
सर तीन नंबर एपी में है, कराया तो है। इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी तो क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, फायदा रहता है यार। अभी देखोगे पता लग जाएगा। कहता साइड्स तीन है, दे आर इन एपी। हाँ साइड्स तो तीन होती है यार, तो तीन नंबर एपी में है यही लेंगे बस, फिर हो गया वेरी इजी। सर सम तो दिया नहीं इस बार, कुछ सम नहीं दिया। पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बढ़िया चीज पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यस सर ये आ गया, थोड़ा ओपन करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके सने कट गए, यस ये ए स्क्वायर। एक प्यारा बच्चा कहता सर काट के वन आ जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कट के वन आ गया, डिवाइड में थोड़ी कटवा रहा हूं कि वन आ जाए, माइनस में ये उतर गया माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो जीरो। ओके ये ए स्क्वायर, ये माइनस टू एडी, उधर जाके प्लस टू एडी, टू एडी प्लस टू एडी। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एडी, फोर एडी। सर ए कट गया, ए आ गया फोर डी, एक रिलेशन सा आ गया, आसान सी चीज रेडी कर ली हमने। ओके नाउ फाइंड रेशियो, रेशियो ये लो, ए माइनस डी कितना आ गया, ए माइनस डी, ये पहली लेंथ है ए माइनस डी, अगला ए है, अगला ए प्लस डी है। सर ए माइनस डी लेंथ कितनी आई, ए को भरोगे फोर डी, सर थ्री डी आ गई, ये फोर डी आ गया, ये फाइव डी आ गया। यस सर लेंथ आ गई, लेंथ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, थ्री डी फोर डी फाइव डी। सो आंसर क्या आया, थ्री रेशियो फोर रेशियो फाइव। रेशियो समझते हो ना, लाइक यार थ्री डी एंड फोर डी की रेशियो क्या होती है, थ्री रेशियो फोर। अब तीन है, डी कट गया कॉमन, ये तीन मीटर है, ये चार मीटर है, तो ये पांच मीटर होगा, वही प्रूव करना था, हो गया। आहा मेन बात ये है बेटे, इतनी सी, तीन साइड्स हैं एपी में है, ये लट करना चाहिए। डायग्राम से पाइथागोरस लगाया, खत्म, वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये फोर नंबर्स के ऊपर आ गया क्वेश्चन, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हूज सम इज 20 एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इन 120। फोर नंबर्स याद है, ये वाला फोर नंबर्स इन एपी करवाया हुआ यार, चार नंबर एपी में कंसीडर करने हैं, क्या करोगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री, ये चार नंबर है। ओके सर चार नंबर ही लेट कर लिए एपी में, इनको लेट करने का फायदा आपको बताया था बेटा, सम बताया, सम इज 20
सम करने पर डी कटेगा, ये देखो। सो सम चार नंबर ही हो गए इनका सम, ओके सम, एंड इनके स्केयर्स का सम, ओके सर ये दिया हुआ है, इनका अपना सम चारों का ये है, इनके स्केयर्स का सम ये है। अच्छा हो गया, सम में यही तो फायदा है यार, डी कट रहा है, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कट गया, डी डी कट गया, क्या आया ए ए ए चार ए, फोर ए इज इक्वल टू 20, सो ए आ गया 5, मुबारक हो, यहां भरने के काम आएगा। पहले इसको तो देख लो क्या बनाएंगे, यही तो फायदा है, सम दिया था डी कट गए, ए आ गया 5, आराम से यहां भरूंगा बाद में, पहले सॉल्व तो कर लो जरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपन तो लिख ही जाएंगे आराम से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे इस पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सर इज इक्वल टू 120, ये आ गया, हो गया जी। माइनस 2ad प्लस 2ad कट गए, माइनस 6ad प्लस 6ad कट गए, ये आ गया, क्या बना ये चीज आ गई, क्या बना जी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4ab, ओके समझ आ रहा है आराम से, एडी में दो रिलेशन आ गए बेटा, वहां से ए आ गया, यहां देख रहे हैं बस, ये समझते हो 9d2, स्क्वायर को अंदर लेके आओगे ब्रैकेट के हर एक पर आएगा, मतलब इट्स लाइक 3 का स्क्वायर डी का स्क्वायर, पता है आपको, तो 9d2 ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर 9d2 120, ओके 4 ए स्क्वायर वैसे लिखा है तो नॉलेज के लिए, 4 ए स्क्वायर 5 6 4 क्यों लिखा, चार क्यों लिखा, अच्छा कट्ठा कर दिया था इनको, रहने दो अभी नहीं किया, छोड़ो अभी खोल के लिखा है बस, तो अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 9 डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर 10 11 20, लो जी हो गया, यहां पे लिख रहा हूं आगे, ए इज 5, ए भर लो डी आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 400 उधर जाके 20 कट गया, यानी डी कितना आ गया बेटे प्लस माइनस 1, ए आ गया 5, डी आ गया प्लस माइनस 1, आई थिंक समझ आ गया, बेसिकली आपको दो फंडे बताता है, आप उनसे खेलकर एडी निकाल लेते, ए तो वैसे ही आ जाता है, डी यहां खेल के आ जाता है बेटा, एडी आ गया तो नंबर्स आ जाएंगे, जरा वीडियो रोककर नोट कर लीजिए सारा, मैं एक मिनट में करता हूं यहां पर काम, ये देखिए सर, ए 5 के साथ एक बार डी 1 लेंगे
ए फाइव के साथ एक बार डी माइनस वन लेंगे, ठीक है। हमारे नंबर ये हैं, कर लो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी नंबर्स। मुझे ए डी पता है तो नंबर्स आ गए। यहां पे देख, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ध्यान से डी नेगेटिव है, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, यस। क्या बना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एट सिक्स फोर टू, बात वही आ गई। ये नंबर्स है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। यस, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पता ही आपको चार साइड्स होती हैं। ओके, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अच्छा, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। अरे अरे, मुबारक हो, कॉमन डिफरेंस ही दे दिया। एक बच्चा कहता मैं लिखूंगा ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, मतलब चार है ना, फोर नंबर्स इन एपी से करूंगा, मतलब मैं डी डालूंगा। क्यों? डी तो दे रखा है, जो चीज दी हुई है उसे वेरिएबल क्यों बनाना है? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी मत कर, दे रखा है कॉमन डिफरेंस, सिंपल चल। शायद यहां ए है, पहला एंगल ए, तो अगला क्या होएगा? ए प्लस टेन, अगला ए प्लस ट्वेंटी, अगला ए प्लस थर्टी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया है ना बेटे, यूज इट। Why to introduce the variable if it is already given in the question? तो पहले a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी लगाएगा, फिर कहेगा हमें एक डिफरेंस दिया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट लगाएगा, पता ही है ना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 10 है, मतलब 10 10 जोड़ते जाओ, डिफरेंस 10 आएगा। Let these are angles. हो गया, इसको यूज कर, इतना सा सिखाना था। ये नहीं है एक ही राम कहानी चलानी है, दिमाग बंद कर रखा है, वो नहीं करना। डी क्यों डालूंगा यार, डी तो पता है, मैं नहीं डालता डी क्वेश्चन में। हो गया सर, सारे एंगल्स का सम कितना होएगा? 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स का सम 360, ट्रायंगल में 180 होता है, इसमें 360 हो गया। सो आई गॉट, बस इतनी सी बात सिखानी थी, आगे कुछ नहीं है। लीजिए ये आ गया, तो ये 4a, 4a एंड 30, 20, 50 एंड 60, इधर 360, खत्म हो गया 300। ए आ गया 150। लो सर, आंसर्स आ गए, कितना आसान है यार। डी उलझाएगा, गलती होने का चांस है, मत करियो, ये आसान है, डी गिवन है, सो यूज इट, बस 10 10 10 ऐड करते जाओ। हो गया कैसे? सर पहला एंगल 150 आ गया, 150, 150 प्लस 10, 160, 170, 180, that's it, क्वेश्चन तो हो गया। अब अगर किसी बच्चे ने वो पंगा लिया तो उनको एक बात सिखाना चाहता हूं। कोई बच्चा कहता सर मैं तो, मेरा दिमाग ही नहीं चला, ये मैंने तो सीधा ही कर दिया,
अच्छा आपकी गलती बचा रहा हूं बेटे, अगर किसी ने ऐसे कर लिया भी सर मुझे देखा चार नंबर्स इन एपी तो मैंने ये ले लिए, गुड सर इनका सम 360 है, इन सबका सम जोड़कर 360, गुड। कहता सर डी दे रखा है क्वेश्चन में, डी थोड़ी, यहां डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दिस कर या दिस माइनस दिस कर, 2D दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस डी नहीं कहलाएगा 2D कहलाएगा, इसलिए कह रहा हूं यहां गलती मत करना, डी 5 है, इस यहां पर जो डी वेरिएबल है इसकी वैल्यू 5 है 10 नहीं है, अगर किसी ने ऐसे किया तो बी केयरफुल अबाउट इट। मैं बहुत बार गलती देखता हूं, बच्चे डी को 10 ले लेते हैं फिर गलत होएगा, ऐसे क्यों करेगा तू यार, अड़ता नहीं, समझा रहा हूं मैं, दिमाग नाम की चीज है यार, जब तुझे डिफरेंस दे रखा है तो वेरिएबल क्यों डालेगा उसको, 10 पता है 10-10 जोड़ी जाना, कितना सा मेथड है ये, इसमें गलती का स्कोप है, फिर भी बता दिया अगर कोई ऐसे पंगा लेगा तो बी केयरफुल, डी नहीं 2D की वैल्यू 10 है। नोट करो, वीडियो रोककर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, एक नंबर है मेरे पास 32, उसे 4 पार्ट्स में ब्रेक करो, मतलब चारों पार्ट्स का सम 32 बनने वाला है। ओके, सम ऑफ 4 पार्ट्स, सम ऑफ 4 पार्ट्स 32 बनेगा, समझ गए, 32 को 4 पार्ट्स में ब्रेक करो, मतलब चारों को जोड़कर 32 बनता है। ओके, डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, इन एपी 4 नंबर्स इन एपी और उनका सम पता है, मुबारक हो, ये वाले लेंगे, ठीक है सर, समझ आ रहा है अच्छे से, 32 को 4 पार्ट्स में बांटो, मतलब चारों का सम 32 होगा, विचार इन एपी, चार नंबर्स एपी में है तो ये लेंगे, सम भी पता है, सच दैट क्या लिखा है ये, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये वाले चार में ये दो हैं एक्सट्रीम्स और ये जो बीच में होते हैं इन्हें बोलते हैं मीन्स, ये दो, एंड दीज टू आर एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एज 7/15, ये दिया हुआ है, इज टू द मतलब रेशियो, वो कहते हैं दिस इज टू दिस, मतलब रेशियो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब रेशियो टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7:15, आई थिंक हो गया, फीलिंग समझ आई क्वेश्चन की, 32 को 4 पार्ट्स में तोड़ो, चारों को जोड़ के 32 बनता है, मान लीजिए ये है, ये लो इनका सम 32, सम 32 है, ये 3D कट गया, ये D कट गया, 4A 32 A आ गया 8, फायदा हो गया, A आ गया 8, उसके बाद सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब रेशियो इज 7:15, हो गया यार, A माइनस B A प्लस B, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी
15 को इधर ले आओ, 15 लीजिए, 15 ए स्क्वायर माइनस, ये समझते हो ना, स्क्वायर अंदर आएगा इस पर भी तो 9 डी स्क्वायर, और ये 7 टाइम्स, लो ये आ गया जी, बिल्कुल ही सिंपल करी जा रहा हूं। हाँ ए भर देंगे, एंड में भर देंगे, चाहे अभी भर दो आपकी मर्जी है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा 64 बन जाएगा वो करूंगा बाद में करता हूं, एक मिनट रुको बस, 15 ए स्क्वायर, 15 इंटू 9 135, 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, 15 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर, ओके, और ये माइनस 135, इधर के प्लस 135, उसमें से 7 गए, 128 आ जाएगा, लीजिए ए स्क्वायर, 8 भी कट जाएगा यहां पे, 16 बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया यहां पर। अच्छा ए तो 8 है, फिल कर दो 8 का स्क्वायर, लो जी 64 डी स्क्वायर आ गया 4, मतलब डी आ गया प्लस माइनस 2, मुबारक हो डी आ गया। सर मेरे पास ए आ गया है, डी आ गया है, क्लब करके इनको नंबर्स आ जाएंगे, वीडियो रोककर सारा नोट करो, एक मिनट में काम कर रहा हूं, वीडियो रोककर नोट कर लिया था आपने, ठीक है सर, ए 8 आया था, डी दो तरह का आया है, ए को 8 रख के डी को 2 रखकर एक आंसर आएगा, माइनस 2 रखकर एक सेट आएगा, बस आया समझ, ए 8 है, डी 2 भी हो सकता है माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों से आंसर निकालना पड़ेगा, तो ये क्या आया ए माइनस 3d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, 2, 6, 10, 14, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, बिल्कुल ही डी नेगेटिव है, ब्रैकेट डाल डाल के भर दिया, हो गया 14, 10, 6, 2, वही आंसर आ गया, बस रिवर्स ऑर्डर आ गया, समझ, लो जी ये था बेटे हमारा सेकंड टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। इसका अगला टॉपिक है हमारा सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में आपको सम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, आज का होमवर्क क्या है वो देख लो, ये नोट कर लेना वीडियो रोक कर, ओके बेटे, आज का होमवर्क एनथ टर्म वाला टॉपिक तो आपने कर ही लिया, एनथ टर्म वाला वो खत्म कर दो, एंड एक सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला टॉपिक है नेक्स्ट, वो खत्म कर दो, ये दोनों टॉपिक पूरी तरह खत्म कर दीजिए। हाँ इसमें एक ना लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे, लॉग वो अभी नहीं करना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाकर मैं आपको लॉग इकट्ठा करवाऊंगा सारा, मतलब यहां वापस आऊंगा मैं लॉग वाले क्वेश्चंस पे, एक लेक्चर पूरा लॉग के ऊपर लगेगा जिसमें एपी के जीपी के इस चैप्टर के जितने लॉग वाले क्वेश्चन सारे इकट्ठे कराए जाएंगे, तो अभी नहीं करने होंगे, क्लियरली बताऊं तो एनथ टर्म के लास्ट 5 क्वेश्चंस और इसका लास्ट 1 क्वेश्चन ये वेट करना है, अभी ये बाद में आएंगे, अभी टेंशन ना लो इनकी, ओके टॉपिक्स पूरे सॉल्व कर दो, बस इसके लास्ट 5 और इसका 1 नहीं करना है, ठीक है, बुकलेट आपके पास है,
ऐप पर अपलोडेड है, प्रिंटेड इंस्टीट्यूट में रेडी है, वहां से लेके जा सकते हो। सॉल्यूशंस सारे क्वेश्चंस के सेक्शन ए बी सी डी। इस चैप्टर में बेटा हम सेक्शन बी सी डी भी साथ करने वाले हैं, मतलब कॉम्पिटिशन पार्ट करने वाले हैं साथ। तो सॉल्यूशंस ए बी सी डी के आपकी ऐप पर, जीसी ऐप पर भी अपलोडेड हैं और प्रिंटेड भी इंस्टीट्यूट में रेडी है। सारी बुकलेट का सॉल्यूशन होता है, बहुत आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, सारा सॉल्यूशन आपके पास है, हैंड रिटन प्रॉपर मेरा लिखा हुआ। तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए वहां से हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। ये होमवर्क करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में मजा करते हैं सम ऑफ टर्म्स के साथ, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।